छह पंजे तीस को हमने क्या लिखा यहाँ पर हर में बटे में, ठीक है, बटे में हर वाली हर की थी, हर का एलसीएम निकाला तीस आ जाए। तीस आप छह का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि तीस आ जाए, तो छह का पाड़ा पांच बार बोलेंगे, छह पंजे तीस। तो एक गुणी पांच लिखेंगे, पांच बार दिया ना छह का पाड़ा, फिर पांच का पाड़ा कितनी बार ले तीस तीस आ जाए, है ना, तो पांच छह तीस, तो यहाँ दो गुणी क्या लिखा छह, गुणा का चिन्ह करके छह लिख देंगे ये, ठीक है, अभी याददाश्त के लिए दोबारा हल करने के लिए। फिर जो है तीन का पहाड़ा कितनी बार बोले कि तीस आ जाए, तीन धाम तीन का पहाड़ा दस बार बोले, तो दस को यहाँ गुणित करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये कम समय में जल्दी से जल्दी इसको इस तरीके से हल करते हैं। आगे हम देखेंगे कि एक का गुणा पांच में करेंगे तो क्या आ जाएगा पांच, या पांच का गुणा आप एक में करो, पांच का पहाड़ा एक बार बोल दो, जो बड़ी संख्या दिखे, जो बड़ी संख्या दिख रही है उसका पहाड़ा बोलना है, ठीक है, ताकि जल्दी हल हो जाए। तो पांच एकम पांच, छह का पहाड़ा दो बार, छह कम छह दुनी बारह, बारह लिखा। फिर दस का पहाड़ा चार बार, दस चौक चालीस, चालीस लिखा। आप इसको हल आगे जोड़ जोड़ का निशान है तो ऊपर ऊपर की संख्या जोड़ लेंगे, चालीस में दस जोड़ा कितना हो गया पचास, पचास में पांच जोड़ लो पचपन, पचपन में ये दो दो बचा ये जोड़ लो, पचपन और दो सत्तावन, सत्तावन और बटे में जो है वो तीस, है ना, बटे करके तीस लिखेंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से भिन्न का जो सवाल है भिन्न को जोड़ सकते हैं आप, कम समय में जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं, ठीक है।